जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं, उनको हिंदू धर्म से इस प्रकार का वैमनस्य क्यों है? क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। हिंदू तो आप भी नहीं है, आपके परदादा जो है फिरोज खान थे, आपकी माँ ईसाई हैं, आपके पूज्य जीजाजी ईसाई हैं, आपके अंदर हिंदुत्व का खून है, ऐसा कहीं नजर नहीं आता। पूर्ण हला राहुल का मोती भ्रम, पूर्ण दिले हिंदू विरोधी मंतव्य, हिंदू धर्म को नहीं आरएसएस और बीजेपी को कले टारगेट, आरएसएस और बीजेपी को कहिले नकली हिंदू, राहुल का मंतव्य को बीजेपी का कड़ा समालोचना। सेप्टेम्बर 15 तारीख रे नुआ दिल्ली रे महिला कांग्रेस उत्सव उद्घाटन अवसर रे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुणी देइचंती हिंदू विरोधी बयान। आरएसएस और बीजेपी को फेक हिंदू बा नकली हिंदू बोली मंतव्य देवा सहित सेमाने हिंदू धर्मर अपव्यवहार करुचंती बोली मध्ये कहिचंती राहुल। राहुल गांधी समय समय रे विभिन्न हिंदू विरोधी मंतव्य देई आसीचंती। निजे हिंदू धर्मर प्रकृत अर्थ और सार तत्व को न बुझिथिबा राहुल को बीजेपी और आरएसएस उपरे हिंदू धर्म को नै टारगेट करबा परे बीजेपी तरफ रु आरंभ होईची कड़ा प्रतिक्रिया। हिंदू धर्म के लिए धर्म की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। भगवान शिव के हाथ और महावीर जी के हाथ में उन्हें कांग्रेस का हाथ नजर आता है। मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो कदाचित नहीं करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी भारतवर्ष के किसी भी ऋषि मुनि के नाम पर उनका गोत्र नहीं है। वो कौन से गोत्र के हैं? एक बार बड़ा जनेऊ पहनकर गोत्र का नाम लिए थे, उस गोत्र का भारतवर्ष के जो इतिहास है उसमें कहीं भी ऋषि मुनि का नाम नहीं। तो राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं, वो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट भाजपा को देने की जरूरत नहीं। आपको कैसे पता हो गया कि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की शक्ति कम हो रही है? आज भी आपने कह दिया कि चौराहे पर लक्ष्मी और दुर्गा को पीटा जा रहा है, आपके खिलाफ FIR दर्ज भी कराई जाएगी, और आपने जो हिंदुओं का अपमान किया है पूरी आप सहित पूरी कांग्रेस को हिंदू और हिंदुस्तान से माफी मांगनी होगी हिंदू देवी देवताओं के अपमान के कारण। यही अवसर रे कांग्रेस और बीजेपी रा आदर्श परस्पर ठारु संपूर्ण भिन्न और कोनसी गोटिया आदर्श ही देश को शासन करी पारिबो बोली कहिचंती राहुल। तेबे निजरा और देशवासी को धर्म को नकली कही पारुतिबा राहुल केउ आदर्श रा पाठ पढाउचंती ताहा को नै बीजेपी और आरएसएस पक्षरु प्रश्न उठिछि। केवल सेति कि नुए बीजेपी और आरएसएस की प्रकार हिंदू बोली प्रश्न पचारुतिबा राहुल निजे हिंदू धर्म रा आदर्श रे केते अनुप्राणित एहा को नै मध्ये तीव्र समालोचना प्रकाश पाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।